श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में परिवहन विभाग के अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 ट्रक को जब्त किया गया है। विभाग की इस कार्रवाई में बजरी माफियाओं में अब हड़कंप का माहौल है। वहीं हाईवे पर चल रहे ट्रक चालकों को जैसे इस कार्रवाई की भनक लगी तो वे ट्रकों को सड़क किनारे खड़े कर भाग गए। लगातार 8 घंटे गंगानगर से राजरियासर तक चली इस कार्रवाई में कुछ ट्रक सीमेंट से भरे हुए पाए गए तो उनको भी पकड़ा गया है। सुबह 4 बजे से अवैध बजरी के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था, जो NH-62 पे परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया, जिसमें परिवहन विभाग के 4 उड़न दस्ते शामिल थे। मेरे निर्देशन में कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमने जो भी रास्ते में गाड़ियां मिली उनको बंद किया है और टोटल अब तक की जो कार्रवाई है उसमें 21 गाड़ियां बंद की जा चुकी है। और वहाँ पे ये सब जानकारी में आया कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स पर डे गुजर रहे हैं और उनकी माइनिंग के इश्यूज को चेक करने के लिए आज परिवहन विभाग के BTO, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाकी इंस्पेक्टर्स, रेवन्यू के SDM तहसीलदार, पुलिस के नीचे का स्टाफ, हमारे साहब हैं IAS प्रोफेशनल साहब, उनको भेजा है। सभी निर्देश संयुक्त रूप से नियमानुसार वांछित कार्रवाई करने के लिए इनकी चेकिंग की गई। जब चेकिंग में सामने आया है कि 40 टन जब अलाउड इसके अगेंस्ट 110 टन माल लेगा तो ये इलीगल की कैटेगरी में आता है और इसके लिए जो निकल कार्रवाई वो माइनिंग डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा पुलिस के द्वारा करवाई जाए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।